अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन खान किचन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तंदूरी बिना आवन बिना सिकड़ी का मेरी स्टाइल में। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदूरी चिकन के लिए सबसे पहले हम एक चिकन ले लिए हैं, अक्खा मैं ली हूँ और इसको मैं अच्छे से साफ करके धुल ली हूँ। इसको इस तरीके से कट कर लिए हम गहरा गहरा, और ये पीस नहीं रहता, अक्खा रहता है, तो इसे एकदम अच्छे से धोएं ताकि अंदर तक का कचरा एकदम निकल जाए। और एक बाउल में हम पानी ले लिए हैं, इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच नमक, और एक नींबू का रस भी डाल देते हैं। और इसमें भिगाने से चिकन एकदम अच्छा सॉफ्ट होएगा और जो स्मेल रहती है चिकन की वो एकदम से निकल जाएगी। इसे हम आधा एक घंटे के लिए भिगाएंगे। पानी हमारा थोड़ा सा कम है, हम एक गिलास और डाल देते हैं ताकि हमारा चिकन एकदम अच्छे से डूबा रहे। ये चिकन हमारा एक घंटा हो चुका है भीग के, नींबू और नमक में हम भिगा के रखे थे जो, अब इसको हम पानी से निकाल लेते हैं। ऐसा छन्नी में रख देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। और ये हम लहसुन अदरक पीस लेते हैं। इतना बड़ा मैं लहसुन अदरक का टुकड़ा ली हूँ, 12 से 13 लहसुन की कली ली। अब हम तंदूरी चिकन को मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हम आधी कटोरी दही लिए हैं, मतलब 3 चम्मच के करीब होएगी, इसे हम डाल देते हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। दो चम्मच लाल मिर्ची कश्मीरी पाउडर, हाफ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, हाफ छोटा चम्मच काली मिर्च दरदरी कूटी हुई, दो चम्मच हम राई का तेल डाल देते हैं। राई का तेल डालने से बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आप जरूर डालें। एक चम्मच हम नमक डाल देते हैं, नमक हम चिकन के हिसाब से डालेंगे। दो चम्मच चिकन तंदूरी मसाला, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, दो चम्मच मैदा। और मैदा हम इसलिए डालते हैं कि मसाला हमारा एकदम अच्छे से चिपक जाए, चिकन में जाने के बाद छूटे ना। और एक चम्मच मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इसको हम ऐसा हाथ से मसल लेंगे ताकि अच्छे से क्रश हो जाए। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं ताकि हमारी दही और मसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाए। दाने जो उसके रहते हैं दही के, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, जरा सा लम्स ना रह जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा टमाटो रेड फूल कलर डाल देते हैं ताकि इससे हमारी चिकन तंदूरी का कलर एकदम अच्छा हो। इसे हम और एकदम अच्छे से मिला लेंगे ताकि कलर एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन का पानी एकदम अच्छे से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो गीला हो जाएगा मसाला। तरीके से हम पलटी करके अच्छे से लगा लेंगे, इसके अंदर भी एकदम अच्छे से मसाला डाल डाल के लगा लें ताकि कहीं भी आपको फीका ना लगे। और जो हम कट लगाए हैं उसमें एकदम अपनी उंगली से अच्छे से लगा दें ताकि एकदम हर जगह मसाला पहुंच जाए एकदम अच्छे से। अभी हमारे चिकन में एकदम अच्छे से मसाला लग चुका है, अब इसे हम
तीन से चार घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, फ्रिज में हम रख देंगे। आपके पास अगर टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, नहीं टाइम है तो आप दो घंटे में भी बना सकते हैं। अब जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह हमारा चिकन 3 से 4 मिनट हो चुका है मैरिनेट होके, अब इसे हम तंदूर कर लेते हैं। और अभी से खुशबू इतनी अच्छी माशाल्लाह आ रही है, कलर भी देखो इतना अच्छा दिख रहा है। कुकर हमारा गर्म हो चुका है और कुकर में हम पानी जरा भी नहीं डालेंगे, देखिए एकदम सूख गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं इस तरीके का एक स्टैंड, ये आसानी से मिल जाता है मार्केट में, और ये जाली डाल देते हैं। ये जाली भी कुकर के साथ भी मिलती है, अगर नहीं भी रहे कुकर में तो आपको अलग से मिल जाएगी। अब हम इसके ऊपर से ये चिकन को रखेंगे, एकदम अच्छे से रखेंगे ताकि इसका मसाला आजू बाजू गिरे ना, जब गिर जाएगा कुकर में तो उसको जलेगा और धुआं धुआं होएगा। तो हम ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे बाकी का मसाला। और इसको हम 40 से 45 मिनट तक तंदूर होने देंगे, और अगर आपकी मुर्गी और बड़ी है तो आप और टाइम तक रख सकते हैं, 50 मिनट तक भी, और अगर छोटी है तो और कम टाइम रखें, 40 मिनट में भी हो जाएगी, 35 से 40 मिनट में भी। और हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, लेकिन इस तरीके से हम रबड़ निकाल देंगे और ढक्कन लगा के इसकी सीटी भी हम निकाल देंगे, क्योंकि हमको सीटी नहीं लेना है, इसी तरीके से पकाना है। अब हम इसे 45 मिनट तक तंदूर होने देंगे। ये हमारे चिकन को 45 मिनट हो चुका है तंदूर होके, अब इसे हम देख लेते हैं खोल के। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, मसाला सिका गया है एकदम, दिख रहा है लाल लाल, और तेल का भी चिकनापन दिख रहा है। और मैं अक्खा पीस ली थी, आपको अगर पीस वाला भी करना है तो भी आप इस तरीके से तंदूर कर सकते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम इसको एकदम अच्छे से पकड़ लेंगे चिमटे से और आसानी से निकाल लेंगे। कुकर से निकाल लिए हैं, अब इसको हम ग्रिल पे रख के सेक लेते हैं। इस तरीके से हम घुमा घुमा के सेक लेंगे, और इस पे हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एकदम सोना सोना सिकाएगा। देखिए कितना अच्छा सिका गया है। इस तरीके से हम पलटी कर लेंगे, अब दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। आप भी इसे जरूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से गल भी जाता है, एकदम सोना सोना सिका भी जाता है। यह हमारा जायकेदार एकदम चटपटा सा चिकन तंदूरी बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही जूसी जूसी। आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए।